कुछ स्पेशल चीज है जो होने वाली है। हाँ, इस बार बहुत दिन हो गए, बहुत ही वेट कराता है ये रेडी होने में। एक बार बुलाया भी था, वो आते नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक रीयूनियन करूँ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे आप देख सकते हो, मैं कार में बैठी हूँ, रात का टाइम है, तो मैं अपने घर जा रही हूँ, बहुत टाइम बाद जा रही हूँ। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। बस मैं ये प्रे कर रही हूँ कि एयरपोर्ट पे भीड़ ना हो, क्योंकि हमेशा अभी रिसेंटली भीड़ होने लगी है बहुत ज़्यादा T3 पर। सो बस भीड़ ना हो और मैं जल्द जल्दी घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरी आधी नींद पूरी होती है जब भी मुझे फ्लाइट कैच करनी होती है शिमला के लिए। सो एनी वे, बस मैं थोड़ी देर में ही एयरपोर्ट पहुँचने वाली हूँ, अभी सुबह के 5 बजे। मैंने अपने लिए लिए है कॉफ़ी, बिकॉज सुबह सुबह थोड़ी मुझे जगने की ज़रूरत है, इसीलिए तो मैंने अपने लिए कैपुचिनो ले लिया है एक। मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, सो मैंने लिफ्ट से नीचे जा दी, क्योंकि जो मेरे गेट्स हैं वो नीचे होते हैं, और मैं कॉफ़ी पीती हूँ, कॉफ़ी पीते पीते जा रही हूँ। गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ शिमला एंड वेदर बहुत ठंडा है। गाइस, मैं टैक्सी में बैठ गई हूँ एंड अब घर की तरफ जा रही हूँ। मैं ये जैकेट ले ली थी एयरपोर्ट से, क्योंकि सच में ही फ़्लाइट में बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड मुझे पता नहीं चला मैं कब पहुँच गई, क्योंकि पूरी फ्लाइट में सोते हुए आई हूँ, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा फील हो रहा है इतने टाइम बाद एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ घर जाने के लिए भी। देखो घर आते मुझे मोनो मिली है, मोनो। और ये हेलो, ये देखो मारा आते ही मुझे किधर से ग्रीट कर रही है, हिमांशु आया मेरा, वो देखो वहाँ पर है। तो मैं फाइनली घर पहुँच चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। निकल के क्यों नहीं आए बाहर? हाँ, इस बार ही बहुत दिन हो गए। और बताओ कैसे हो? यहाँ तो ठंड हो गई है। हाँ, बहुत ठंड है। नीचे नहीं है, दिल्ली में नहीं है। नहीं, वहाँ तो अभी अच्छा सुहाना मौसम हो रहा है, ना ठंड है ना गर्मी है। यहाँ तो काफी है ठंड, और अभी तो थोड़ी अगर बारिश होगी तो और ज्यादा हो जाएगी। गाइस, घर आते मम्मी ने मेरे ड्राई फ्रूट्स तैयार रखे हैं एंड मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। देखो आवाज आ रही होगी आपको, बर्ड्स वगैरह की, सो पीसफुल। मैं अब नहा लूंगी, फिर आराम से टीवी वगैरह देखूंगी। आज मम्मी की भी छुट्टी है, सो इन्जॉय करूँगी उनके साथ। मैंने उनको उनके गिफ्ट्स दे दिए, हिमांशु के जो मैं लेकर आई थी वो सब कुछ दे दिया है। अब मैं नहाने जा रही हूँ। ये मैंडेटरी है बालकनी से व्यू, सो ये भी मैं आपको दे ही देती हूँ। गाइस, घर आते ही मैं खा रही हूँ ये दाल के परांठे, अचार एंड ये खीर है। सो यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट। Day 2। हेलो गाइस, सो ये नेक्स्ट डे है एंड मैं तैयार हो चुकी हूँ, बिकॉज आज मुझे और हिमांशु को जाना है, कुछ स्पेशल चीज़ है जो होने वाली है, उसे देखने जाना है हमें। सो बेसिकली मैंने हाई नेक पहना है ये, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंड है, तो मुझे लगा जैकेट जितनी ठंड तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत है। सो मैं बस अपना मेकअप कर रही हूँ थोड़ा बहुत। सो बेसिकली मेरी ये किट है जिसमें मेरा सारा ऑलमोस्ट मेकअप फिट हो जाता है, जो मेरा बेसिक एसेंशियल मेकअप है। सो जो मैं अभी मेकअप करूँगी वो मेरा ऐसा मेकअप है जो मुझे मार्केट वार्केट जाती हूँ मैं, थोड़ा बहुत जो करना होता है अंडर आइज, बिकॉज मेरी अंडर आइज थोड़ी डार्क हो चुकी है लैक ऑफ स्लीप। एंड मेरे साथ पता क्या होता है, अगर मैं एक एक भी दिन नहीं सोई हूँ मतलब प्रॉपरली, तो मेरे नेक्स्ट डे ही डार्क सर्कल्स बहुत एविडेंटली दिखने लग जाते हैं। तो मैं इसीलिए कंसीलर लगाना प्रेफर करती हूँ, बाकी फाउंडेशन वगैरह कुछ नहीं लगाती मैं मोस्टली। नेक्स्ट इज आईब्रोज, ओहो गलत लग गया, क्योंकि मैं कैमरा में देख के मेकअप कर रही हूँ, मिरर में देख के नहीं। सो मेरे आईब्रोज ना आगे से बहुत लाइट है, अच्छी ग्रोथ नहीं है उसमें। ठीक है, नॉट बैड। थोड़ा सा मस्कारा, इससे ना आईज अच्छी लगती हैं।
काजल डेली लगाना मुझे पसंद नहीं है, मोस्टली काजल या आईलाइनर मुझे इंडियन आउटफिट्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही फनी फेस लगता है यार मस्कारा लगाते हुए। आई थिंक इनफ है इतना। नाउ कम्स मेरा फेवरेट पार्ट, ब्लश। तो मुझे ये ब्लश लगाना पसंद है एवरी डे के लिए, क्योंकि ये पीच कलर है और अच्छा लगता है मेरे फेस पे, मुझे ऐसा लगता है। और मैं ना ब्लश पता है कहाँ से कहाँ लगाती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी बनाती हूँ मैं। ये मैंने हैक देखा था, अगर आपको मतलब मैं कॉन्टोर नहीं करती हूँ, सो इससे आपका फेस आई थिंक थोड़ा वो लगता है, क्या कहते हैं उसे, ऐसे स्नैच्ड। बेसिकली ज़्यादा गोल नहीं लगता बिकॉज आई हैव अ वेरी राउंड फेस। आई थिंक इनफ है इतना। थोड़ा सा चिन पर एंड लिपस्टिक। आजकल मैं इस लिपस्टिक से इतना ऑब्सेस्ड हूँ, ये लॉरियल की है। बहुत बहुत इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, बहुत लाइट सी है एंड ये स्टे भी करती है। सो ये शेड है 630 रोज़ हीट। क्योंकि आप शॉर्ट्स वीडियो के लिए पूछ रहे थे तो मैंने उसमें भी यही अप्लाई करा था, नहीं उसमें दूसरा था, उसका नाम मैंने मेंशन कर दिया कमेंट्स में। बट ये वाली भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। मैं आपको पूरा आउटफिट दिखाती हूँ, या पूरा आउटफिट दिखाने के लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैंने ये वाले पैंट्स पहने हैं इसके पीछे, इसके नीचे एंड ऊपर हाई नेक एंड आई एम रेडी टू गो। अप्लाई करना मैं भूल गई थी। या विंटर्स के क्लोथ्स में ना परफ्यूम इतना अच्छा स्टे करता है, आई डोंट नो व्हाई। समर्स में मुझ पे परफ्यूम बिल्कुल भी स्टे नहीं करता है, बट विंटर्स में बहुत स्टे करता है। और ये जो हील की शेप में है ये परफ्यूम है, लेकिन बहुत अच्छा परफ्यूम है। ये वाला बैग कैरी करूँगी, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैग्स है फ्रॉम चार्ल्स एंड कीथ। एक्चुअली इसे ना ऐसे कैरी करते हैं ताकि ये गोल्डन वाला पार्ट आ गया है, और इसमें बस मैं एक लिपस्टिक डालूंगी, बाकी किसी चीज़ की नहीं लेंगे आई थिंक। क्योंकि यार कैश रखना ना अब एक्चुअल में ऑलमोस्ट बंद ही हो गया, क्योंकि हर जगह UPI हो जाता है, हर जगह पेमेंट्स UPI से हो जाते हैं, सो कैश रखना अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो आई एम रेडी टू गो गाइज। यहाँ पर मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, हल्की हल्की सी ठंड है लेकिन धूप भी है साथ में, परफेक्ट। लाइक ये मौसम परफेक्ट है। पांचों भी रेडी हो गया है, बहुत ही वेट कराता है ये रेडी होने में। क्या तू कराती ज्यादा? मैं तो पहले से रेडी हूँ आज। मैं भी रेडी हूँ। सो मैं और ये जा रहे हैं बस। चल कर दे, चल। पहाड़ी इलाके में बहुत चलना पड़ता है, कार भी घर से काफ़ी दूर पार्क होती है। मैं तो थक गई यार, आदत ही नहीं रही। एंड ये चलना सीधा सीधा नहीं होता, ऐसे स्लांट में चलना होता तुम्हें, तो इससे ज़्यादा थक जाते हो। बट एनीवे अब हम आ ही गए हैं एंड नाउ वी आर गोइंग। हमारा काम तो हो गया है, सो हम वापस जा रहे हैं। कुछ सरप्राइज है, अभी तो मैं नहीं बता सकती क्या है वो, सो बस अब हम घर के लिए वापस जा रहे हैं। और मुझे लग रही है भूख, तो मैं कुछ खाऊंगी। वैसे तो मेरा मन कर रहा है मोमोज, शिमला वाले मोमोज खाने का। वैसे मोमो होता है, मोमोज नहीं होता, हम लोग गलत प्रनाउंस करते हैं। बट अब घर जाके देखती हूँ, इतने दिन से बाहर का खा रही हूँ तो घर का कुछ खाऊंगी। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सो आज एक्चुअल में छुट्टी है, करवा चौथ है आज, लेकिन हिमांशु के कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पर, सो मम्मी खाना वाना बना रही है एंड यही प्रेपरेशंस चल रही है। उसके चार पांच दोस्त आ रहे हैं जो कि मतलब यहाँ पर जॉब करते हैं, सो उनको घर का खाना खाने का मन था इसीलिए। सो मम्मी ने बहुत सारा खाना बनाया है, मैं मम्मी से पूछती हूँ जाकर कि क्या क्या बनाया है, तो उसका फ़ायदा तो मुझे भी हो ही जाएगा। सो बस मैं भी नहा कर आई थी, अब जाकर देखते हैं कि मम्मी ने क्या क्या बनाया। सो मम्मी क्या बनाया आपने खाने में आज, जैसे हिमांशु के दोस्त आ रहे हैं? पनीर की भुर्जी और मिक्स दाल और कचौरियाँ बनाऊंगी, मीठी और नमकीन और चपातियाँ। उनका घर का खाने का मन था इसीलिए वो खाने का मन था। और मैंने कई बार बुलाया भी था, वो आते नहीं है, एक तो यही रहता है ऊपर हॉस्पिटल में। अच्छा, वो जॉब करते हैं ना? हाँ जॉब करते हैं, तो मैंने पहले भी बुलाया था, बल्कि मैंने खाना भी बना के रखा था, वो आया नहीं, आज आ रहे हैं तो अच्छी बात है। सो मैंने बहुत सारी प्रेपरेशंस करी हुई है काफी दिनों बाद, वरना यही जाता रहता है।
ये तो सबके घर जाता है, मैंने बोला था कि बुला के ला, कभी जाता ही नहीं है, कभी बुलाता ही नहीं उनको। ये देखो गाइस, कोई कांच टूटा है ऊपर शायद, तो यहाँ पर कांच के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। अब आई डोंट नो कि क्या टूटा है। कितनी कितनी ज़्यादा शांति है। एक तो आज छुट्टी है, आई थिंक सभी की छुट्टी है, आज संडे भी है और करवा चौथ भी है, सो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल सी शांति है हर जगह पर ही। और ये देखो कितना एक्साइटेड है, आज तेरे दोस्त आ रहे जो बहुत एक्साइटेड है, बहुत टाइम बाद। पर तू तो मिलता ही रहता है खैर उनसे पूरे टाइम, लेकिन शिमला में बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। अच्छा, डेढ़ दो साल बाद। अच्छा, दूर से आ रहे हैं वो ना, मुझे लगा तेरे यहीं के दोस्त हैं। नहीं नहीं, नीचे जॉब करते हैं वो, ही शिमला से ना। सो ये अपना रूम वूम साफ कर रहा है, और ऐसे तो कभी करता नहीं है उनके चक्कर में। एंड गाइज, आई हैव नथिंग टू डू, सो आई एम गेटिंग वेरी वेरी बोर्ड। मैं सोचू मैं भी किसी दिन अपनी फ्रेंड्स को बुलाऊं। सो मैं सोचू कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एक रीयूनियन करूं, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यार सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं एंड किसी के पास भी वैसे टाइम तो होता नहीं है। बट दिवाली पे सब लोग घर आते हैं, एक्चुअली मेरी सारी फ्रेंड्स सोलन, स्कूल फ्रेंड्स सोलन में रहती है। सो मैं सोच रही थी कि रीयूनियन टाइप हो जाता, देखते हैं अगर प्लान बनता है तो। हमारे यहाँ पर एक्चुअली दिवाली पार्टीज़ का कॉन्सेप्ट तो नहीं है जैसे दिल्ली में इतना ज़्यादा है, और यहाँ पर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट हम करेंगे, मैंने ऐसा सोचा है। कभी भी घर में खाना खाने का मन करे तो यहाँ बेझिझक सुबह बस फोन कर देना पहले एक दो घंटे, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर रहते हैं ना घर का खाना खाने का मन करता है। मैं भी ऐसी हूँ जैसे आप लोगों की मम्मी है, घर से दूर रहते तो मन करता है थोड़ा, बस इसके पास ना बता दिया करना सुबह, कभी छुट्टी वाले दिन जब भी फ्री हो ना तो ये बताता ही नहीं है। अरे यार मैंने इतनी बार बोला ही है, इसे भागने की लगी रहती है कि यही चल जाए। बोलती थी बुलाते नहीं के पास जाता था और खुद दौड़ा रहे के साथ में। हां तो मैं यही के पास जाता हूं, किसी जगह जाता हूं जब मुझे कहीं चाहिए कि रिपोर्ट कर दे। क्यों अब इतने हम मैच्योर हो रहे हैं, लोग डॉक्टर्स हैं नहीं, मतलब किसने ना बताया हो घर पे। नहीं जैसे ही जाते कई बार, हां और जरूर आना बेटा दोबारा से। बाय। ये भी जा रहा है अभी अपने दोस्तों के साथ ही, इन्होंने कार वहां पार्क करी है।